यार बहुत बेहतरीन हो रहा है। देवी मंदिर में बीच बाजार में बैठ के जो जूस पीने का आनंद है, दूसरी या तीसरी बार पी रहा हूँ मैं यहाँ पर। हाँ। और पहली बार आपके साथ पी रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। और सीरियसली मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, प्राणदायक। पहले दांत मारे थे पर उससे कुछ हुआ नहीं, फिर चाबी से कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। हम लोग हैं इस वक्त बुद्धा पार्क में। ऐसे ही टाइम पास करने आया था मैं यहाँ पर। डॉक्टर के पास गया था, लास्ट नंबर लग गया, तो आधा घंटा बाकी है। नारियल अपने आप के ले लिए। अच्छा, हाँ ये स्टोरी में रुक जाओ। कुछ लोग हैं जो बात भी नहीं करते हैं बिना रिश्वत के, तो इनको पहले इनको चाहिए ब्लू लेस, उसके बाद तुम क्या करोगे? बात करूँगा। सीन जनाब ऐसा है कि आपको डायलॉग याद है? नहीं। सिंपल से तो डायलॉग है, पढ़ लेनी चाहिए थी स्क्रिप्ट, पर इस बार रोना है उसमें थोड़ा सा। मेलो ड्रामा, एक्ट्रेस हमारी रेडी है, हमने एक ऐड शूट करना है। आज ऐड थोड़ा अलग तरीके है, हमेशा जो ऐड करता हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, हमेशा जॉयफुल। इस बार हम सैड हैं। हम क्या हैं? सेड। हम सेड हैं। सारा मेलो ड्रामा होने वाला है यहाँ पर भाई। क्या बात है राशि, शुरू करें? राशि वीडियो मेक किया मेरा। ये बताओ यार कि लड़कियां रोती कैसे हैं? मैं तो जैसे ही एड शूट शुरू कर रहा हूँ वैसे मैं ब्लैंक हो गया एकदम से। हाउ डू दे क्राई? मैं कभी रोया नहीं हूं तो मुझे पता नहीं है। अच्छा अपनी लाइन बोलिए, एक बार जोर से बोलिए, लाउड बोलिए। तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत करो, किसी और से आया हूं। चलो ठीक है, दोबारा 3 2 1 मोहब्बत करो यार। 3 2 1 एक्शन। तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो यार, ये मोहब्बत नहीं हो रहा। अरे लंबा बोला ना, मोहब्बत। तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो। हां लंबा बोला, मोहब्बत करो। तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो। तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो। हम बिस्किट जैसे डूब ना जाए तो कहना। इसमें रोना भी है राशि, एंड में रोना है। तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो, हम बिस्किट जैसे ना डूब जाए तो कहना। भाई क्या लाइन लिखी है, क्रिंज एड्स देते हैं। थोड़े क्रिंज हैं पर क्या कर सकते हैं, थोड़े नहीं क्रिंज प्रॉपर इसी को कहते हैं। चलो भाई हम शूट कर रहे हैं, ठीक है, इमोशन के साथ। तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो, तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो, हम यार आप मुझे कॉन्शियस कर रहे हो। चल मैं नहीं करती। तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो, तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो, हम बिस्किट जैसे डूब ना जाए तो कहना। आंसू की तैयारी कर लो। Let's go for it. दूसरी आंख में भी। अरे भाई। हल्का सा दूसरी आंख में भी सेम। पहली बार लगाया क्या ग्लिसरीन? कैरी लगाती कैरी। चलो फिर चलो जब तक आंसू शुरू शूट कर लेते हैं। तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो, हम बिस्किट जैसे टूट न जाए तो क्या। हल्का सा रियल हो सकता है राजी, हल्का रियल, ठीक है, एक्शन। तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो, तुम चाहे जैसी मोहब्बत करो, बिस्किट जैसे टूट ना जाए तो क्या।
एक्शन। एक और ले, लिपस्टिक लगा ले। हमने एड शूट डन, सही कर लिया एडम ने, बहुत बढ़िया रहा, मजा आया। और राशि ने बिल्कुल रियलिस्टिक एक्टिंग करी। एक लाइन बोलने के लिए जो इन्होंने फीस चार्ज करी वो बहुत ही तगड़ी है। इनको कुछ भी दिलाना पड़ेगा जो इनको पसंद आएगा मार्केट जाके, कुछ भी। तो भाई हमारी एड थी जो अच्छी रही और एड एनर्जी भी बहुत अच्छी रही। आपको कैसा लग रहा है एड शूट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेम भी हमने बढ़िया बनाया था, इट वॉज गुड, मजा आया। फिर अब हम जा रहे हैं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है, दैट्स व्हाई। यस ठीक है, अब मैं गोइंग कर रहा हूँ। ठीक है, गोइंग क्यों लूंगी गोइंग। बाय बाय जनाब। हम हैं दुर्गापुरी में और हमारे बगल में जिनको आप देख रहे हैं इनका नाम है सूरज वेदवाल साहब। वेदवाल साहब हेलो। हाथ ऐसे मिला रहे हैं, मुलाकात पहली हो गई हमारी। एक दिन पहले ये म्यूजिक का अप्रोच लेके आए थे घर पे, हमारी बातचीत पहले हो चुकी है। अभी भी जहाँ हम खड़े हैं, हम पहले ही मिल चुके हैं पदमपुर में, वहाँ से यहाँ आए हैं। अब दुर्गापुरी मार्केट अगर आप देखें तो ये ऐसा नज़र आता है, क्वाइट सिमिलर लाइक द मार्केट वी हैव इन कोटद्वार। मतलब कोटद्वार ही है ये इलाका, बट फिर भी यहाँ पर आने के लिए हमने कितने किलोमीटर करे होंगे कवर? करीबन पाँच किलोमीटर कवर करके हम यहाँ पर आए हैं। स्पेशली मैं यही कह रहा था कि हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट काम से जाना है, वो यही है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत गाना है जो शायद ही हम कुछ एक दो हफ्ते के अंदर, तीन हफ्ते के अंदर शूट करने वाले हैं। कोशिश करेंगे। बहरहाल हम आए हैं यहाँ पर अपनी एक एक्ट्रेस से मिलने के लिए, जिनको हमने अप्रोच किया कि भैया हमारे साथ एक म्यूजिक वीडियो कर लो। उनको सुनाने आए हैं गाना वाना कि भाई कैसा है, क्या सही लगता है। बाकी आप बताएं वेदवाल साहब कैसे हैं? प्रियंक भाई से मैं काफ़ी ब्लॉग्स देखता था इनके, और अब एक डायरेक्टर की नज़र होती है जो बड़ी पैनी होती है। तो मेरी नज़र इनके, जब शायद ही आपके 500-600 सब्सक्राइबर थे, मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ। मतलब मैं जॉब करता था गुड़गांव में, तो मैं तब से आपको मतलब देखता था कि यार ये बंदा कितना अच्छा कर रहा है। मैंने कहा चलो, अरे 1000 हो गए इसके। कुछ दिन बाद देखा, अरे 1500 हो गए, अरे 2000 हो गए। फिर देखा मैंने कि यार बंदे में है। तो मुझे लगा कि एक गाना था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 3-4 गाने, तो मुझे ये गाना लगा कि प्रियंक भाई कर सकते हैं। इनके भी बहुत दिल के करीब गाना है वो, बिल्कुल 1-1.5 साल से रुका हुआ है। हाँ, तो इन्होंने आके मुझे सुनाया, मुझे बेहद पसंद आया बार बार सुनने के बाद। पहली बार में भी अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा, पर अब तो अडिक्ट हो चुका हूँ मैं, बार बार सुनता रहता हूँ खाना बनाते हुए, झाड़ू मारते हुए। मोहतरम है जिनसे हम मिलने आए हैं, इनका शायद स्टूडियो है, मेकअप स्टूडियो है, तो चलकर मिल लेते हैं इनसे। आइए। हाँ, तो हम हैं ग्लिम्स स्टूडियो के अंदर, हम अभी दुर्गापुरी में, एंड शी इज पूर्णिमा। चलिए जनाब एक बार ये मीट पूरा कर लेते हैं। आपने सॉन्ग सुन लिया, पसंद आया आपको? जैसे मुझे पसंद आया वैसे इनको भी पसंद आया। दिस इज पूर्णिमा एंड शी रियली रियली लाइक इट। तो कह रही हैं मतलब हमने पूरा 100% लिया है कि भैया करना है कि नहीं करना है, तो शी सेड यस, कर लेंगे भाई, बहुत ही अच्छा है। चलिए, नाइस मीटिंग यू, दिस इज प्रियांक। मैं हफ्ते भर में शायद हो सकता है हम लोग शूट करें, है ना? चलिए, नाइस मीटिंग यू, चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय। फाइनली 3-4 दिन से मशक्कत में लगे हुए थे ये भी और मैं भी, तो एक्ट्रेस तो फाइनल हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तो भाई आप ही है। अभी स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें। चल ये देखो भाई मौसम कैसा हो रहा है, कतई कूल। अब हम जा रहे हैं दुर्गापुरी से वापस अपने घर की ओर। मुझे लगा था आते हुए ठंड लग जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं खास। भाई स्काई असल में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रखा है, जिसकी कोई हद नहीं। भाई कुछ खाते पीते भी, पर मेरी वजह से बेचारे जूस पी रहे हैं। आ जाओ। लीवर के लिए सबसे बढ़िया जूस कौन सा रहता है? पाइनएप्पल। हाँ, तो दो पाइनएप्पल बना दो। हाँ, पहाड़ी एक्सेट भाई। यूट्यूब चैनल ज़रूर देखना, सब्सक्राइब ना भी करना चलेगा। बेहतरीन हो रहा है ये, बीच बाजार में बैठ के जो जूस पीने का आनंद है।
आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? तीसरी बार पी रहा हूँ मैं यहाँ पर, पहली बार आपके साथ पी रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है, और सीरियसली मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्राणदायक। तो भैया हमने जूस वगैरह पी लिया है, ये बड़ी अच्छा अचंभे वाली बात है, अद्भुत बात है कि क्रिएटिव फील्ड में किस तरीके से आपकी मित्रता होती है पटाख से। सूरज भाई सामने खड़े हैं, ये मुझे चार दिन पहले मिले हैं, और अब हम यहाँ से जूस पी के किसी आगे किसी टपरी पे जा रहे हैं जहाँ पर हम आसानी से बैठकर आराम से डिस्कशन कर सकें सॉन्ग के बारे में। अभी जिस जगह हम बैठे हैं वो है टपरी, है ना, पुलिंडा वाले बैंड पे, और ये मतलब वर्ल्ड क्लास जगह है। ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा एकोमोडेशन है कॉलेज के बाद, और आर्टिस्ट लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी टपरी है, बहुत अच्छी जगह है। गिटार विटार रखा है यहाँ पर, बहरहाल आप एक बार देख लो, ये बिल्कुल रोड साइड पे और पहाड़ के मतलब इसके इस तरफ देखें तो खाई है छोटी मोटी, मतलब बगल में नदी बह रही है, और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं यहीं डिस्कशन वगैरह करेंगे। भैजी अपनी डायरी भी लेके आए हैं और एक गढ़वाली एक वर्ड है जिसको कहते हैं निवती, तो यहाँ निवती भी बहुत अच्छी लगती है। निवती मीन्स है गर्मी, गर्माहट। तो यहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि आह कहीं किसी ऑटो में है, सही जगह पर है। पर मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत आया हूँ यहाँ पर, बहुत यहाँ फास्ट फूड वगैरह खाया है, और यहीं बैठे रहते थे आराम से, बेहतरीन यार। भाई हम अपना डिस्कशन वगैरह शुरू करते हैं। भाई मीटिंग शीटिंग हो गई हमारी, सही रहा ब्रो? है बहुत गहरी बातें हो गई आज, टाइम की कमी है बस, इसलिए हम घर निकल रहे हैं।